नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आज हम बना रहे हैं शिशुओं के लिए कद्दू या पम्पकिन और आलू का मैश। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही पौष्टिक है और वेट गेन के लिए भी अच्छा है, और आप इसको 6 से 9 महीने के बच्चों को आराम से दे सकते हैं और बड़े बच्चों के लिए भी सूप की तरह से बना सकते हैं। तो देखते हैं हम इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं। ये एक टुकड़ा है कद्दू का, एक आलू लिया है हमने, थोड़ा सा पेपर पाउडर है या काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा जीरा पाउडर है। काली मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जी को क्लीन करना है, तो हमने आलू छील लिया है। यहाँ पे आलू को छील के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे हम। ज्यादा बड़े टुकड़े नहीं है। अब इसी तरह से हमें कद्दू को भी काटना है। यहाँ पे मैंने हरा वाला कद्दू लिया है, आप कोई भी और कद्दू भी ले सकते हैं। अब इसको लेके लगभग उतने ही बड़े पीसेस हमें काट लेने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी दोनों सब्जियां कट के बिल्कुल तैयार हैं। कद्दू बहुत ही हल्का होता है खाने में और आलू में स्टार्च होता है, तो ये दोनों सब्जियां जब आप मिला के देते हैं तो एक ये फिलिंग मील बनता है जो कि न्यूट्रिशियस भी है और बच्चे का पेट भी भरता है। अब इसे बनाना बहुत आसान है। एक हमने कुकर ले लिया, उसके अंदर पहले हमने कद्दू डाला और आलू डाल दिया, और इसके बाद में हमें पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से कवर हो जाए और दोनों सब्जियां अच्छे से पक जाए, मगर बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो। तो हमने यहाँ पे दोनों स्पाइसेस डाल दिए, काली मिर्च का पाउडर और एक दोनों बस एक एक चुटकी हमने डाले हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ये नहीं खा सकता है तो आप उन्हें मत डालिए, आप प्लेन भी बना सकते हैं। क्योंकि हम ये शिशुओं के लिए बना रहे हैं तो हमने कोई नमक नहीं डाला है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए अगर आप बनाना चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं। अब बस कुकर को बंद करके हमको इसको मीडियम हीट पे पकाना है, 3 से 4 सीटी आने तक, जब तक दोनों चीज़ें अच्छे से ना गल जाएं। कद्दू जल्दी गल जाता है और आलू को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए दोनों सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। अब एक लेडल से अगर आप देखेंगे तो आसानी से मैश हो सकता है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही मैश करके दे सकते हैं, एक फोक की सहायता से भी मैश कर सकते हैं कांटे से, या अगर आप बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बनाना चाहते हैं तो एक मिक्सी में या एक ब्लेंडर की सहायता से इसको एक स्मूथ प्यूरी या सूप की तरह भी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत आसान है और बहुत ही पौष्टिक भी है, और ज़रूर एक चेंज होगा रेगुलर प्यूरीज या किसी और तरह के खाने से। तो आशा है ये रेसिपी आपको पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपसे बहुत बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।